अस्सलाम वालेकुम जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पिछला काम दोहरा रहे हैं जनाब। हमने बहुत सारे अल्फाज पढ़े हैं, अल्फाजों के जुमले पढ़े हैं, हमने कहानियाँ भी पढ़ी हैं, कहानियाँ सुनी हैं, सवालों के जवाब भी दिए हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बिल्कुल नया काम करने वाले हैं जी जनाब। आज हम बड़ा नया काम करेंगे, बड़े मज़े का काम करेंगे। सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किताब खोल लेते हैं, पता चल जाएगा हमें कि आज हमारा नया काम क्या है। तो जनाब खोल लीजिए अपनी किताब, उर्दू सिलसिला साल सोम की किताब खोलिए। सफ़ा नंबर यहाँ पे खुल चुका है 117 जी जनाब, 117 सफ़ा यहाँ पे खुल चुका है। और यहाँ पे मौजूद हैं कितने आइकन्स, पहले ये देखते हैं। एक, दो, दो आइकन्स मौजूद हैं यहाँ पे। पहला आइकन हमसे क्या कह रहा है जनाब, जल्दी से बताइए। पहला आइकन हमसे कह रहा है पढ़िए जी जनाब। पहला आइकन हमसे कह रहा है पढ़िए, और दूसरा आइकन हमसे कह रहा है लिखिए जी जनाब। फिर हमने लिखना है, पहले हमने पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। क्या पढ़ना है क्या लिखना है आके सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तारीख लिखनी है, आज की तारीख लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है जुमले बनाइए जी जनाब, जुमले बनाइए। आपने खुद से जुमले बनाने हैं और जुमले लिखने भी हैं। आपको दिए जाएंगे कुछ कुछ अल्फाज, कुछ नए अल्फाज आपको दिए जाएंगे। अल्फाजों को जुमले में तब्दील करना है, यानी कि उससे मुताल्लिक कोई जुमला बनाना है। ऐसा जुमला बनाना है जिसमें वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो, ठीक है जनाब। ऐसा जुमला बनाएंगे जिसमें वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो, सोचेंगे मिलके और मिलकर ऐसे जुमले बनाएंगे, ठीक है जनाब। तो सबसे पहला हमारा लफ्ज़ लिखा हुआ है घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा। पहला लफ्ज़ है हमारा घोड़ा, घोड़ा ये लिखा हुआ है ना, यहाँ बना हुआ है घोड़ा। तो बनाइए हम घोड़ा का क्या जुमले बना सकते हैं भाई। ये घोड़ा है, बिल्कुल ठीक, हम ये बना सकते हैं। ये घोड़ा है, घोड़ा भाग रहा है, ये भी बना सकते हैं हम जुमला के घोड़ा भाग रहा है। और क्या जुमला बना सकते हैं जिसमें घोड़ा इस्तेमाल हो रहा हो लफ्ज़। ये घोड़ा सफ़ेद रंग का है ना, ये भी बना सकते हैं। ये घोड़ा सफ़ेद रंग का है, और ये घोड़ा काले रंग का है, ये भी बना सकते हैं, बिल्कुल जनाब। मेरे पास एक घोड़ा है, बिल्कुल ठीक, ये भी बना सकते हैं कि मेरे पास एक घोड़ा है, ये सफ़ेद रंग का घोड़ा है, ये घोड़ा है और घोड़ा भाग रहा है, बिल्कुल जनाब। हम में से बहुत से जुमले हैं हमारे पास, हम कोई भी एक जुमला बना सकते हैं। हम बना देते हैं यहाँ पे ये घोड़ा है, ठीक है जनाब, हम बनाते हैं ये घोड़ा है। आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, चाहे ये जुमला बनाएं चाहे कोई भी जुमला बनाएं। भालू, भालू जी, यहाँ पे खड़ा हुआ है एक छोटा सा मोटा सा भालू। अब भालू से मुतालिक हम कोई जुमला बनाएंगे, बहुत ही अच्छा सा कोई जुमला बनाइए। सोचें कि भाई क्या जुमला बन सकता है। ये भालू है, ये भालू है, भालू मोटा है, भालू मोटा है ना, भालू खेल रहा है, भालू मोटा है, ये भालू है, ये अच्छा भालू है, ये मोटा भालू है। इसी तरह से हम बहुत से जुमले बना सकते हैं, ठीक है जनाब। हम यहाँ पे लिखेंगे ये भालू मोटा है, या फिर ये मोटा भालू है, सही है जनाब। हमने ये जुमला बना लिया। अब हमारे पास है खेल जी जनाब, हमारे पास अब आ गया है लफ्ज़ खेल। खेल के मुताबिक, खेल से मुताबिक हम क्या जुमला बनाएं, सोचे 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 कोई जुमला बनाएं जल्दी से। हम खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक, हम खेल रहे हैं। और जनाब यहाँ पे क्या है, यहाँ से बच्चे खेल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। क्या कहा आपने, वो खेल रहे हैं, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं कि वो खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। आप कोई भी जुमला बना सकते हैं इसमें से, ठीक है जनाब। आगे हमारे पास है खाना, खाना, खाना जी जनाब, खाना। अब बनाइए इससे मुताबिक कोई जुमला।
हम खाना खा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, हम खाना खा रहे हैं। वो खाना खा रहे हैं। हम सुबह खाना खाते हैं या हम रात को खाना खाते हैं। हमने रात में खाना खाया। इस तरह से हम बहुत से जुमले बना सकते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, हम रात को खाना खाते हैं, हम रात में खाना खाते हैं, है ना भाई। हम कुछ भी बना सकते हैं, हम बहुत से जुमले बना सकते हैं। आप इनमें से कोई भी जुमला अपनी कॉपी पे लिखिए, ठीक है जनाब। झील, झील जनाब, हमारे पास आखिरी लफ्ज मौजूद है, झील, झील। तो बताइए भाई, झील का क्या जुमला बन सकता है? ये झील है, बिल्कुल ठीक, ये झील है, ये बड़ी झील है, ये बड़ी झील है, हम झील पर गए। ये भी लिख सकते हैं, हम झील पर गए, भाई पिकनिक मनाने गए, घूमने गए, हम झील पर गए। ये नीली झील है, बिल्कुल ठीक, हम ये बोल सकते हैं, ये नीली झील है, ये झील है, हम झील पे गए। बिल्कुल जनाब, यानी कि हमने बहुत से जुमले बना लिए एक लफ्ज़ का। आपको पता चला ना हम किस तरह से एक लफ्ज़ के बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, है ना भाई। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इन सारे जुमलों को, इनमें से कोई भी एक जुमला, हर लफ्ज़ से मुताल्लिक एक जुमला आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। खुद से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, समझ के लिखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, कंप्लीट करेंगे काम, और उसके बाद मम्मा पापा को रीचेक भी कराएंगे, उनके साथ बैठ के काम कंप्लीट कीजिएगा, और टीचर को अपना वॉइस नोट भेजिएगा, साथ साथ अपने काम की पिक्चर सेंड कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।